पीपल, वेलकम टू फिट तक विद मी गरिमा भंडारी। एंड आज की सीरीज में हम कर रहे हैं बहुत ही आसान एट होम चेयर वर्कआउट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आज की एक्सरसाइज में हम करेंगे वार्म अप विद लंजेस। एंड लंजेस एक इस तरह की यूनिलेटरल एक्सरसाइज है जो कि ना सिर्फ आपकी लोअर बॉडी की स्ट्रेंथनिंग करती है बट आपकी पूरी ओवरऑल बॉडी का बैलेंस इंक्रीज करती है, स्पाइनल सिमेट्री देती है एंड एट द सेम टाइम आपके कोर की जो स्ट्रेंथनिंग है वो इंक्रीज होती है। आपकी लेग की मसल्स तो बेटर होती हैं, स्ट्रेचिंग आती है, आपके हिप फ्लेक्सर्स की फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है, क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग, काब्स की मसल्स के लिए एंड ग्लूट्स के एक्टिवेशन के लिए भी एक एक्सेलेंट मूव है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लंजेस के लिए आप अपने दोनों लेग्स को इस तरह से वाइड डिस्टेंस में प्लेस करेंगे ऑन वन साइड, फेसिंग बोथ द लेग्स फेसिंग वन साइड एंड अपने अपर बॉडी को टोटली बैलेंस रखते हुए एंड एब्सोल्युटली स्ट्रेट रखते हुए विदाउट ड्रॉपिंग इट, आप अपने हैंड्स को इस तरह से अपने सामने लॉक करें एंड ब्रिंग योर बिहाइंड नी टू द फ्लोर एज क्लोज एज यू कैन। अगर आप बिगिनर हैं तो आपकी लेग जहाँ तक कंफर्टेबली जाती है आप वहीं तक स्टे करें, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट अलाइनमेंट इज कि आप अपने फॉरवर्ड को इस तरह से ड्रॉप नहीं करें। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट इज दैट आपका जो नी है वो आपके लेग के बाहर इस तरह से नहीं जाना चाहिए। लेट इट स्टे इनसाइड ऑफ योर एंकल इन अ स्ट्रेट लाइन इस तरह से एंड प्लेस योर अदर लेग ऑन द फ्लोर एंड कम अप, चेंज अदर साइड, सिमिलर मूव, कम अप। एंड इफ़ यू आर अ बिगिनर आप अपने हैंड्स का सपोर्ट ले सकते हैं इस तरह से बाय प्लेसिंग देम जेंटली ऑन योर नीज लाइक दिस एंड कम अप, गो बैक, कम अप। वंस अगेन स्टमक टोटली एक्टिव, दैट्स वाई मैंने इसको वार्म अप बोला, बिकॉज इससे आपकी पूरी बॉडी ओपन अप हो रही है, लेग, लोअर मसल्स, लोअर बॉडी मसल्स, कोर एंड स्पाइनल, एवरीथिंग वर्किंग सेम टाइम। Increase your pace. Try to do this for at least 30 seconds. Before we move on to our next warm-up exercise, which is easy chair push-ups. Chair push-ups के लिए आप अपने chair को अपने सामने इस तरह से place करें. Come on your knees like this and a little away from the chair. उसके बाद अपने दोनों hands से try to grab the corners of your chair very firmly and tightly. एंड उसके बाद जैसे कि हम पुशअप करते हैं फ्लोर पे, सिमिलर मूव, बेंडिंग आर चेस्ट बिटवीन आर हैंड्स एंड कमिंग अप। सो लेट्स डू दिस विद द ब्रीदिंग। ओपनिंग आर एल्बोज ऑन द साइड्स एंड ब्रिंगिंग द चेस्ट एज क्लोज टू द चेयर एज वी कैन, lowering the entire body towards the chair and feeling the burn. Seconds activating the whole body, core, recruiting most of the muscles that are required to warm up the whole body. So now that our body is totally and completely warmed up, so हम move on करते हैं अपनी next exercise में, which is again for our arms and triceps primarily. Tricep की muscles के लिए बहुत ही excellent exercise है. So इस exercise के लिए हमें इस तरह से stand करना है actually, and उसके बाद try to grab the chair with your arms like this, but your palms facing towards your body. And shifting your weight from the hips towards the chair, not away from the chair, but towards the chair. And taking the dips from your hands, moving out your elbows outside and bringing them in while coming up. So once again, the move is not done with your hips, but also arms, because as I said that this move is for the tricep muscles primarily. So aapki arms और ट्राइसेप्स की टोनिंग के लिए ये एक्सेलेंट मूव है। वंस अगेन फॉर 30 सेकेंड्स ट्राई टू ग्रैब द चेयर टाइटली विद योर हैंड्स कीप योर कोर एंगेज्ड
All right, my arms are already feeling a lot of love that they just received. Next up, let's give some attention to our legs also. So once again, we stand closer to the chair and using the chair as a prop, we bring our hands in front of us, or if you're comfortable like this, whichever move you're okay with, and actively bringing your hips towards the chair and moving up. Not really sitting on the chair, but just touching and coming up. Once again, an important alignment here to check is that your back should be locked at all times. You're not coming down with your back, but with your hips. So locking your back, come up. Exhale while coming up. Strong legs, activation in your hamstrings, quads, calves, ankles, hip flexors, and even glutes. And core ko aapko actively engage rakhna hai by tucking your stomach tightly in, squeezing your belly, and upar aate hue apne glutes ko squeeze kare so that your legs are working and glutes are crying towards the end of the squat, which is a sign that you worked out really well on your legs. And agar aapki legs ki muscles strengthened rehti hain to aapki knees ki health achhi hoti hai and puri body ki health kafi achhi rehti hai. So once again, last three, come on, and the last one. From here, moving on to the last exercise of this video. So let's turn the chair towards us like this, and chair ka jo backrest hai usko aapko is tarah se grab karna hai, and make sure you're standing in a straight line little away from the chair and transferring your weight on your left leg this time. Aap apne right leg ko is tarah se raise kare without bending towards the left side, keeping your spine absolutely straight. Raising the leg, if you're a beginner, you can bend your knee a little bit like this, and once you're comfortable, stay here for a few seconds. Come back. Ye excellent exercise hai aapki hamstrings ki strengthening ke liye, and especially if you want very nice shaped and well lifted butt. Try to keep your shoulders in neutral alignment. Don't squeeze them. Just drop them natural. And the other side. Active core. Keep breathing. Point your toes like this. When your leg goes behind and come up while flexing your toes, point, flex. That's it. That's it for this video. And if you like this video, give it a thumbs up. And is tarah ka beginner workout hamare sath practice karne ke liye, keep watching for more, especially this space on Fridays. Hum is tarah ka 7 to 10 minutes workout video aapke liye upload karenge. And फिट तक को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, एंड कॉमेंट्स करके हमें अपना फीडबैक जरूर दें. कीप वॉचिंग फॉर मोर. फिट तक के और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें.